नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एमपी बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट का पेपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि। आपको ये चार कंडीशन दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस कंडीशन में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी है तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है, आपको एक एपी सीरीज दी गई है, समानांतर श्रेणी आपको दी गई है और यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस थ्री माइनस वन अपॉइंट टू टू का ग्यारहवा पद है। आपसे पूछा गया है कि इस श्रेणी का ग्यारहवा पद कौन सा है। तो आपको एक सूत्र यहाँ पर याद होना चाहिए, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। उसमें आप इन सब वैल्यू को रख देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 22। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो बिंदु पी थ्री टू और क्यू माइनस टू माइनस थ्री के बीच की दूरी है, आपको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप दूरी सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 7.07 लगभग। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परवलय। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है परवलय। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इक्वल जीरो एवं ए टू एक्स प्लस बी टू बाय प्लस सी टू इक्वल जीरो आश्रित एवं संगत होता है जब। आपको ये चार कंडीशन दी गई हैं, आपको बताना है उनमें से कब यह जो रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है यह आश्रित और संगत होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यदि ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू होगा। तो ये जो आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं यह आश्रित एवं संगत होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश डैश करके यह श्रेणी आपकी 205 तक गई है और इस श्रेणी में आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। बस यहाँ पर आप इस फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 34। 34 आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वह सभी समरूप होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई खाली स्थान होती है। यहाँ पर आपको चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। एक बार और आप सुन लीजिए, यहाँ पर आप लिख देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है रूट थ्री एक खाली स्थान संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पर आप लिख देंगे अपरिमेय संख्या, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपरिमेय। इसके बाद आपसे पूछा गया है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खाली स्थान कहलाती है। यहाँ पर आएगा बहुपद की घात। चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है वह कहलाती है उस बहुपद की घात। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। यहाँ पर आपको द्विघाती सूत्र लिखना है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पर आप सूत्र को लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर थ्री में सत्य असत्य पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स यहाँ पर आपको लिखना है।
तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी प्रेक्षण आपको दिए होते हैं उसमें यदि कोई वैल्यू सबसे अधिक बार आती है तो वह बहुलक कहलाती है। इसलिए यह हमारा फॉल्स हो जाएगा, यह हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपसे पूछा गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो यह ट्रू है, यह सत्य है। किसी भी प्रयोग की जो प्रारंभिक घटनाएँ हैं उन सभी की प्रायिकताओं का जो योग होता है वह हमेशा एक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। तो यह असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि कोई भी वृत्त है उसको यदि कोई भी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा छेदक रेखा कहलाती है, और यहाँ पर उसको त्रियक छेदी रेखा कहा गया है। तो यह हमारा असत्य है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा गया है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो कोई भी घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, यह कथन हमारा ट्रू है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा गया है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो यह कथन हमारा असत्य है, यहाँ हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा गया है, त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यह हमारा ट्रू है, यह हमारा सत्य है। तो यह हमारे ट्रू फॉल्स थे। अब आपसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी को मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका आंसर होगा फर्स्ट का जी। इसके बाद है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 πr². तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसके बाद है sin²(25° + cos²(25°). इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन एफ। इसका आंसर हो जाएगा एफ। sin²θ + cos²θ हमेशा 1 होता है। इसके बाद है tan θ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर tan θ होता है हमारा sin θ/cos θ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। sec²θ - 1, यह हमारी आइडेंटिटी है, सूत्र है, तो इसकी वैल्यू होती है tan²θ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को मिला सकते हैं, यही आपका आंसर है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की छेदक रेखा क्या कहलाती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा गया है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह लिख देना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे पूछा गया है, किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an = a + n-1d। और यहाँ पर आपसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है, तो यह आप लिख देंगे। इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा गया है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है और आपको ये जो एरिया दिख रहा है OABO, इस एरिया का आपको क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि घोड़ा कितनी घास को चर पाएगा। तो यहाँ पर ये जो रस्सी है, तो घोड़ा यहाँ से इस प्रकार से चलेगा, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ की घास को घोड़ा चर सकता है, तो आपको इसी का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। और इस एरिया को यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो यदि ये पूरा आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर पूरा एक वृत्त का निर्माण होगा और यह वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये जो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यह इक्वल होगा त्रिज्यखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 है क्योंकि आपको यहाँ पर जो मैदान दिया गया है यह वर्गाकार है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। और R क्या रहेगा, R रहेगा ये जो रस्सी है इसकी लंबाई। तो रस्सी की लंबाई आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 5 मीटर दी गई है, तो त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर। तो R की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे और थीटा की वैल्यू 90 भी हम यहाँ पर रख चुके हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 19.625 वर्ग मीटर, और यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में आपसे पूछा गया था कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू यहाँ पर 21 है, और जो यहाँ पर कोण दिया गया है वह दिया गया है 60 डिग्री का। आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो पहले हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू यहां पर हम रख देंगे और R की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, थीटा की वैल्यू 60 है और R की जो वैल्यू है वह यहां पर दी गई है 21 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 22 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है, चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उस पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पासे में अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक अंक इनमें से आ सकता है। तो जो संभावित परिणाम है वो यह 6 हो जाएंगे, परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 6। यह आपके संभावित परिणाम है जो आ सकते हैं, लेकिन आपको कौन से परिणाम की जरूरत है, हमको चाहिए है 4 से बड़ी संख्या वाले परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे, 5 और 6, क्योंकि 4 से बड़ी संख्याएं हैं इनमें से 5 और 6, तो कुल अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2। अब आपको यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र पता होना चाहिए, तो प्रायिकता बराबर होता है कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो जो कुल अनुकूल परिणाम है वह यहाँ पर 2 दिए गए हैं और संभावित परिणाम दिए गए हैं 6, तो 2/6 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3, और यही हमारा आंसर है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 0.3 लगभग, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद आपको और भी अंक मिलेंगे, तो 0.3 लगभग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम वही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और संभावित परिणामों की कुल संख्या यहाँ पर 6 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो 4 से छोटी संख्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो 4 से छोटी संख्या होगी 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से जो अनुकूल परिणाम है वो होंगे 1, 2 या 3, इनमें से कोई भी एक परिणाम आपको मिलेगा, और कुल अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 अंक आपको अनुकूल परिणाम में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए कुल अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई यहाँ पर 3। इसके बाद हम फिर से प्रायिकता का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। कुल अनुकूल परिणाम यहाँ पर है 3, संभावित परिणाम है 6, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 यहाँ पर हमको मिल जाएगा, यही हमारा आंसर है, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 0.5।
इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में आपसे पूछा गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक इक्का नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उस पत्ते के इक्के होने की प्रायिकता हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52, और इसलिए कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 52। अब ताश की गड्डी में कुल इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4, तो जो कुल अनुकूल परिणाम है वह भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 4। प्रायिकता का सूत्र आपको पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 4 और कुल संभावित परिणाम है 52। 4/52 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/13, यही हमारा आंसर है। अब हम निकालेंगे एक इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता। हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 - घटना के घटित होने की प्रायिकता। इसी प्रकार से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, यदि आप 1 में से उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता को माइनस कर दें तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकल जाती है। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर प्रायिकता आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रायिकता निकालना है कि जो पत्ता हमने निकाला है वह इक्का नहीं होगा। 52 पत्तों की गड्डी में से निकाले गए पत्ते के इक्के ना होने की प्रायिकता बराबर होगी 1 - इक्का होने की प्रायिकता। और इक्का होने की प्रायिकता हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12/13, यही आपका आंसर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल 0.95 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ई मतलब यहाँ पर इवेंट है, जो प्रायिकता में हम सॉल्व करते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, वही जो घटना शब्द यूज होता है उसके लिए यहाँ पर ई शब्द का यूज किया गया है, इवेंट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई इक्वल 0.95 है एवं घटित ना होने की प्रायिकता पीई, ई के ऊपर यह आपको एक बार लगा देना है, इसका मतलब होता है इवेंट के ना होने की प्रायिकता। और हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो सम है, टोटल है, वह हमेशा 1 होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को आसानी से निकाल सकते हैं। पीई की वैल्यू दी गई है 0.95 और पीई के ऊपर ये जो बार लगा है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है, इक्वल में यहाँ पर 1 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 0.05, यही हमारा आंसर है कि ई नहीं की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी 0.05। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर 6 के फैक्टर निकालेंगे तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2 3 = 6, 3 = 3। अब 20 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो यह आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2 से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 5 = 10 हो जाएगा, 5 1 = 5, और इनके फैक्टर को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको HCF यहाँ पर निकालना है, तो HCF के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर में आप देखेंगे कौन सा फैक्टर यहाँ पर कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे यहाँ पर, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में आपसे पूछा गया है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर भी आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है 140 के, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे 140 को तो 70 मिलेगा,
टू से आप डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 मिलेगा, और 35 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 वन जा 7। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या होते हैं? x की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर आप रखेंगे तो यह आपका पूरा शून्य हो जाएगा, वही वैल्यू इस द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाएंगे, जिनकी वैल्यू यहाँ पर रखने पर यह शून्य हो जाएंगे। इनको निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी ये आपको द्विघात बहुपद दिया गया है इसके इक्वल में आपको जीरो रख देना है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 4 जा 12, और बीच में यहाँ पर -1 है, तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है कि उनका इंटू करो तो माइनस का 12 आए, और उनको प्लस या माइनस करो तो माइनस का 1 आए। तो ऐसे दो नंबर है +3 और -4, तो इसमें क्या होगा 3 × 4 करेंगे तो आपको यहाँ पर -12 मिल जाएगा, और 3 - 4 करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो माइनस एक्स की जगह हम लिख देंगे 3x - 4x। यहां से आप 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1, यहाँ पर आप -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1। इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3x - 4 आपको एक ब्रैकेट में यहां पर मिलेगा, और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x + 1। अब 3x - 4 इक्वल 0 होगा या फिर x + 1 इक्वल 0 होगा? यदि 3x - 4 इक्वल 0 है तो यहां पर आप देखेंगे -4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, और 3 4 के डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल यहां पर मिलेगा 4/3। इसी प्रकार से यहां पर x + 1 इक्वल 0 है, 1 यहां पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और यही हमारे आंसर है x = 4/3 और x = -1। यह द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा में आपसे पूछा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है। तो द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है जो आप लिख लीजिए यहाँ पर, x² - शून्यकों का योगफल × x + शून्यकों का गुणनफल = 0। यदि आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 और गुणनफल दिया गया है 1, तो इनकी जगह ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। x² - शून्यकों का योगफल है 4 और ये x यहाँ पर लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल है 1, और यही हमारा आंसर है। द्विघात बहुपद हमको मिल गया x² - 4x + 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समीकरण युग्म के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत हैं या असंगत हैं। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनके जो हल होंगे वह संगत होंगे या असंगत होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि a1, b1, c1 और a2, b2, c2 यहाँ पर क्या होंगे। तो x का जो गुणांक है वह a1 कहलाता है, y का गुणांक b1 और यह जो नंबर है कहलाता है c1। इसी प्रकार से यहाँ पर x का गुणांक a2 रहेगा, यहाँ पर y का गुणांक b2 और यह जो नंबर है यह रहेगा हमारा c2। तो इन दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं जो हमारे पास समीकरण का मानक रूप होता है axby + c से। तो पहले समीकरण की तुलना करेंगे a1x + b1y + c और दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे a2x + b2y + c = 0 से। इनसे तुलना करेंगे तो a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि a1/a2 हमको मिला 5/7, b1/b2 हमको मिला -4/6 और c1/c2 हमें मिला -8/9। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो a1/a2 है और b1/b2 है इन दोनों को हमको चेक करना रहता है कि यह हमारे इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1/a2 आया है 5/7 और b1/b2 आया है -4/6। इसको आप 2 से कैंसिल भी करेंगे तो आपको मिलेगा -2/3। तो जो 5/7 है यह आपका इक्वल नहीं है -2/3 के, इसलिए हम कहेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो जब भी आपको a1/a2 और b1/b2 एक समान नहीं मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो समीकरण हमको दिया गया है
तो वो क्या होगा, उसका जो उसके जो हल है वह यहाँ पर संगत होंगे, और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो दोनों समीकरण हैं इनसे जो हमें रेखाएं प्राप्त होंगी वह रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो बस आपको ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू से यह पता चल जाएगा कि यह वाला जो हमारा हल है वह संगत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं और आपको इनको हल करना है। तो सबसे पहले हम इनको समीकरण एक और समीकरण दो नाम दे देंगे, और इनको हम हल करेंगे विलोपन विधि की सहायता से। यहाँ पर आपसे कहा नहीं गया है कि किस विधि से आपको हल करना है, तो आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो। एल एच एस को एल एच एस से माइनस करते हैं और आर एच एस को आर एच एस से, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर टू बाय इक्वल जीरो। टू बाय इक्वल जीरो है तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। समीकरण एक में हम वाई इक्वल जीरो यहाँ पर रख देंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो था वहाँ पर, तो वाई की जगह यहाँ पर हमने जीरो रख दिया, तो हमें मिला एक्स इक्वल जीरो, और एक्स इक्वल जीरो और वाई इक्वल जीरो, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि दी हुई एपी के अगले दो पद लिखिए। यहाँ पर आपको एक समानांतर श्रेणी दी गई है और आपको इसके अगले दो पद लिखना है। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी यहाँ पर हमने लिख दी एपी इक्वल 4, 10, 16, 22, और इसके अगले दो पद आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला पद है उसको लिख देंगे ए, स्मॉल ए इक्वल होता है हमेशा समानांतर श्रेणी का पहला पद। और डी क्या होता है, डी होता है सर्वांतर। द्वितीय पद में से प्रथम पद को आप माइनस करते हैं तो उससे आपको डी की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 माइनस 4 इक्वल 6। यह जो दूसरा पद है इसमें से आप पहले पद को माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर डी मिल जाएगा। इसके बाद हम सूत्र का उपयोग करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन मतलब हो जाएगा आपका एनवा पद। आपको इस समानांतर श्रेणी के अगले दो पद निकालना है, तो यहाँ पर आपको चार पद दिए गए हैं, तो आपको पांचवा और छठवा पद निकालना है। तो पांचवा पद कहलाएगा ए फाइव और छठवा पद कहलाएगा ए सिक्स। तो ए फाइव एन की जगह यह हो जाएगा यहाँ पर 5, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, एन की वैल्यू यहाँ पर आपने देखा था ये 5 है क्योंकि हमको पांचवा पद यहाँ पर निकालना है, और डी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ये हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। इन वैल्यू को आप रखेंगे तो ए फाइव एक बार आपको 28 यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप ए सिक्स निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, और इसको फिर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा 34। तो यही हमारा आंसर है कि दी गई समानांतर श्रेणी के अगले दो पद होंगे 28 और 34। क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा में आपसे पूछा गया है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं आपको इनका योगफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो उपरोक्त श्रेणी में हम देखेंगे कि प्रत्येक दो पदों के बीच का यदि आप यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अंतर समान मिलेगा। द्वितीय पद से पहला पद आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, -2। इसी प्रकार से तीसरे पद में से आप दूसरे पद को माइनस कर रहे हैं तो भी आपको -2 मिल रहा है। तो प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पर समान है, अर्थात जो श्रेणी हमें दी गई है यह हमारी समानांतर श्रेणी है। और समानांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 24। डी क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा आपका डी। और यहाँ पर लास्ट पद 10 है तो इसको हम ए एन यहां पर ले लेंगे, ए एन इक्वल हो जाएगा 10। अब हम जानते हैं कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। यहां पर ए एन इक्वल यहां पर 10 दिया गया है और ए की वैल्यू 34 है और डी की वैल्यू यहां पर -2 है। इस फॉर्मूले से यहां पर क्या निकलेगा, तो इस फॉर्मूले से यहां पर निकलेगा कि इस जो समानांतर श्रेणी है इस समानांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर हम इसको n पद लेके चलते हैं और ए एन व पद 10 है, लेकिन हमको n की वैल्यू नहीं पता कि नंबर ऑफ जो यहाँ पर टर्म दी गई हैं वह यहाँ पर कितनी है, कितनी संख्या यहाँ पर है। तो वह हमको मिलेगा इस सूत्र की सहायता से, इसको आप सॉल्व करेंगे तो n एक पद यहाँ पर 13 आ गया, n की वैल्यू 13 आई है। 13 क्या है यहाँ पर, 13 मतलब इनमें जो संख्याएं दी गई हैं ये आपको 13 दी गई हैं, और यह 13 नंबर की जो संख्या है वह यहाँ पर 10 है, और आपको निकालना है इन सभी पदों का सम योग। तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 13 निकल चुकी है और प्रथम पद यहाँ पर 34 है और अंतिम पद यहाँ पर 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 286 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, बताइए कि क्या ई एफ समानांतर है क्यू आर के, जबकि पी ई इक्वल 4 दिया गया है, क्यू ई इक्वल 4.5 दिया गया है, पी एफ इक्वल 8 दिया गया है और आर एफ इक्वल 9 दिया गया है। यहाँ पर आपको यह डायग्राम भी दिया गया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू पर आप देख रहे हैं बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ है। और यहाँ पर ई एफ समानांतर है क्यू आर के। जब भी आपको किसी त्रिभुज में इस प्रकार से दो समानांतर रेखाएं दी गई हों तो यह रेखाएं इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। समान अनुपात मतलब पी ई अपॉन ई क्यू करेंगे आप तो भाई हमेशा इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। तो सबसे पहले हम पी ई और जो क्यू ई है इनका अनुपात यहाँ पर निकालेंगे, 4/4.5 इनकी वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है, तो हमको मिला यहाँ पर 8/9। इसके बाद पी एफ और एफ आर का अनुपात निकालेंगे, तो पी एफ और आर एफ की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है, तो 8/9 हमको मिल गया। और ये जो दो अनुपात हमने निकाले हैं इनकी वैल्यू बराबर होगी। बराबर क्यों होगी, तो यह होगी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, कि उसमें क्या होता है कि कोई भी दो भुजाओं के बीच में यदि आप कोई भी दो बिंदु लेते हैं और उनको आप मिलाते हैं और वह रेखा यदि इस तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो वह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और इस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के। तो ई एफ और क्यू आर यहाँ पर समानांतर रेखाएँ सिद्ध हो गई हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा की। क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि आकृति में यदि पी क्यू समानांतर है आर एस के, यह जो पी क्यू है यह आर एस के समानांतर है, तो आपको सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू और एस ओ आर ये दोनों समरूप होंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको दिया गया है पी क्यू समानांतर है आर एस के और आपको सिद्ध करना है पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर के। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पर आप देखेंगे पी ओ क्यू यह वाला त्रिभुज है और एस एस ओ आर यह वाला त्रिभुज है। इन दोनों में आप देखेंगे पी और एस यह आपके एकांतर अंतः कोण है। पी कौन सा, पी आप ये देखेंगे क्यू पी ओ ये वाला पी और एस को आप देख सकते हैं आर एस ओ यह वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपके एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार से जो आपका क्यू है वह बराबर है आर के। क्यू कैसा देखेंगे आप, पी क्यू ओ और आर आप देखेंगे एस आर ओ। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह आपके एकांतर अंतः कोण है और पी ओ क्यू बराबर है एस ओ आर के। तो पी ओ क्यू ये वाला जो कोण है आपका बराबर है एस ओ आर के। यह कैसे बराबर है, यह आपके शीर्ष अभिमुख कोण है। तो तीनों कोण यदि बराबर हैं इस प्रकार से तो आप कह सकते हैं कि दोनों जो दोनों हम त्रिभुज हमारे पास हैं वह दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप त्रिभुज हैं, यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। तो इन दो बिंदुओं को हमने नाम दे दिया है P और Q। माना कि दो बिंदु P -5, 7 एवं Q -1, 3 हैं। दूरी सूत्र आपका यह दिया गया है रूट के अंदर x2 - x1² + y2 - y1² से बिंदु P और Q के बीच की दूरी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे। जो पहला बिंदु है वह उसके जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं यह रहेंगे x1 y1, दूसरा बिंदु है वह रहेगा आपका x2 y2। और इनकी वैल्यू को जब आप रखेंगे यहाँ पर और सॉल्व कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4√2 और यही हमारा आंसर है। इसमें बस आपको जो आपको सूत्र है दूरी सूत्र वह पता होना चाहिए, उसमें आपको वैल्यू को बस यहाँ पर रखना है और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संद्रेकी हैं। तो यहाँ पर तीन बिंदु जब आपको दिए गए हों आपको सिद्ध करना हो कि वह संरेखी हैं। संरेखी मतलब वह एक ही रेखा पर हैं या नहीं है। तो इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ए से सी आप देखेंगे तो ए से सी के बीच में आपको बिंदु बी दिख रहा है, तो ए सी इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के। तो यही आप चेक करेंगे और यदि यह आपका सही है तो आप कह देंगे कि यह संरेखी हैं। तो सबसे पहले तीनों बिंदु को हमने नाम दे दिया ए बी और सी। और हम जानते हैं कि ए बी सी संरेखी कब होते हैं, जब ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के।
बस आपको दूरी सूत्र की सहायता से इनकी वैल्यू निकाल देना है, ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, और इसके बाद ए से सी के बीच की दूरी। यदि यह बराबर आ जाती है ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, तो हम कह देंगे कि यह बिंदु संरेखी है। तो सबसे पहले हमने ए बी निकाला, रूट के अंदर इस फॉर्मूले में एक्स वन बाय वन एक्स टू बाय टू की वैल्यू रख देंगे। जब ए बी निकालेंगे तो एक्स वन बाय वन यहाँ पर रहेगा 1 और 5, और एक्स टू बाय टू रहेगा यहाँ पर 2 और 3। इसी प्रकार से जब हम बी सी निकालेंगे तो एक्स वन बाय वन यहाँ पर हम लेंगे 2 और 3, और एक्स टू बाय टू यहाँ पर हम लेंगे -2 और -11। इसी प्रकार से जब आप ए सी या सी ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आप सी ए निकालेंगे तो यह रहेगा आपका एक्स वन बाय वन और यह हो जाएगा आपका एक्स टू बाय टू। बस इन वैल्यू को आप इसमें रख देंगे इस प्रकार से, तो आपको ए बी बी सी और सी ए यहाँ पर मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ए बी आया √5, बी सी आया √212। तो ए बी प्लस बी सी यहाँ पर यह मिला हमको, और सी ए हमको मिला है √265। तो आप देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल है सी ए के। तो हम कहेंगे कि यह जो बिंदु हमको दिए गए हैं यह संरेखी नहीं है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी 2-3 और क्यू 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक। बस यहाँ पर आपको दूरी सूत्र लगाकर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और उसको इक्वल रख देंगे 10 के, तो आपको इस y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर हमने लिख दिया है कि P बिंदु है 2-3 और Q बिंदु है 10y, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो PQ इक्वल 10 हो जाएगा। PQ कैसे निकलेगा? P से Q के बीच की डिस्टेंस है, तो दूरी सूत्र लगेगा यहाँ पर। दूरी सूत्र होता है √x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। x1 बाय 1 यह रहेंगे और x2 बाय 2 यह रहेंगे। इनकी वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको यह वर्ग समीकरण प्राप्त होगा, और वर्ग समीकरण को आप हल करेंगे तो y इक्वल 3 या y इक्वल -9 आपको मिलेगा, और यही हमारा आंसर है। y की वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात करना थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1-4 हैं। तो यहाँ पर आपको बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, और AB इस वृत्त का व्यास है, और यहाँ पर इसका केंद्र है O, और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2-3, और B के निर्देशांक भी आपको दिए गए हैं 1-4, और यहाँ पर आपको A के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो A के निर्देशांक को हम x, y यहाँ पर मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, माना AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है, एवं A एवं B के निर्देशांक क्रमशः x, y और 1-4 हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है और जो वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ पर x1 y1 इसके निर्देशांक होते हैं, और x2 y2 यहाँ पर बिंदु B के निर्देशांक होते हैं। तो इस सूत्र में हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो वैल्यू रखने पर आप देखेंगे आपको मिलेगा x1 की जगह x है, और x2 की जगह 1 है √2। यहाँ पर y1 की जगह y है, और y2 की जगह 4 है √2। और यहाँ पर अब हम जानते हैं कि ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मध्य बिंदु में क्या है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, तो यह बराबर होगा केंद्र के निर्देशांक के। केंद्र के निर्देशांक हैं 2-3, तो ये दोनों हम बराबर रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो यह वाला निर्देशांक है यह इक्वल होगा इसके, और ये वाला निर्देशांक इक्वल होगा इसके। तो x+1/2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर 3, और इसी प्रकार से y+4/2 इक्वल होगा -3 के, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल मिलेगा -10। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बिंदु A के निर्देशांक होंगे x y = 3, -10। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है समकोण के, मतलब जो त्रिभुज ABC में कोण B है वह आपका 90 डिग्री का है, तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर B समकोण है, तो यह आपका 90 डिग्री का हो गया है, और AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले हम लिख देंगे, दिया है AB बराबर 4 और BC बराबर 3, ज्ञात करना है साइन A और कॉस A की वैल्यू।
तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई? क्योंकि हमको दो भुजा यहाँ पर दी गई हैं और एक भुजा अभी हमको ज्ञात करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस ए सी की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण यहाँ पर है ए सी, लंब है ए बी और आधार है बी सी। ए बी और बी सी की वैल्यू रखेंगे तो हमको ए सी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 5। अब हम जानते हैं साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा यहाँ पर? यदि यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए है तो ए के सामने वाली भुजा होगी यहाँ पर लंब, तो बी सी यहाँ पर लंब होगी और ए बी यहाँ पर आधार होगी। साइन ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। बी सी की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू यहाँ पर है 5। और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी। ए बी आधार है और ए सी कर्ण है। ए बी और ए सी की वैल्यू रखेंगे तो 4/5 हमें मिल जाएगा, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आंसर हो जाएगा साइन ए बराबर 3/5 और कॉस ए बराबर 4/5। क्वेश्चन नंबर 16 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि मान ज्ञात कीजिए साइन 60° इंटू कॉस 30° प्लस साइन 30° इंटू कॉस 60°। यहाँ पर बस आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको वैल्यू रख देना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 × √3 करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 2 × 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 × 1 करेंगे तो 1, 2 × 2 करेंगे तो 4। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/4 आपको मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आपका आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ए बी यहाँ पर हमने वृत्त का व्यास ले लिया, व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से जाता है और इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। व्यास के सिरे यहाँ पर ए और बी हैं और इन पर स्पर्श रेखाएं हमने आर एस और पी क्यू यहाँ पर खींच दी हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे माना ए बी वृत्त का व्यास है एवं पी क्यू और आर एस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त का केंद्र ओ है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जो वृत्त की त्रिज्या है ओ ए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ओ ए इस स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी, मतलब ए इक्वल यहाँ पर 90° होगा। इसी प्रकार से जो ओ बी है यह भी वृत्त की त्रिज्या है और यह पी एस स्पर्श रेखा पर लंब होगी, इसलिए बी बराबर भी 90° होगा। इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है ओ ए परपेंडिकुलर है आर एस के और ओ बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। इस प्रकार से ओ ए आर और ओ बी क्यू एंगल यहाँ पर 90° के हमको मिल गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए आर और ओ बी क्यू, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह यहाँ पर एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो ओ ए आर है और ओ बी क्यू है दोनों 90° के हैं, तो दोनों बराबर हैं और ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, इसलिए पी क्यू और आर एस रेखाएँ जो हैं वह हमारी समांतर रेखाएँ होंगी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु Q यह है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसमें हमने यह स्पर्श रेखा खींची है, इसकी लंबाई ये Q से P तक ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यह दूरी आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, तो ओ से पी के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी वृत्त की त्रिज्या, यही आपको ज्ञात करना है। तो दिया है हमको वृत्त जिसका केंद्र ओ है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्यू बी इक्वल 24 सेंटीमीटर दी गई है और बिंदु क्यू की केंद्र से दूरी क्यू ओ बराबर 25 सेंटीमीटर दी गई है। ज्ञात करना है हमें वृत्त की त्रिज्या ओ पी। हम जानते हैं कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत होती है, तो जो OP है और जो QP है ये दोनों परस्पर लंबवत होंगी, तो P पर जो एंगल बनेगा वह 90° का होगा। अब यह समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से OP निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यदि हमको दो भुजाएं दी गई हैं तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं और OP ही वह तीसरी भुजा है जो हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर OQ है, लंब है OP और आधार है PQ। इनकी वैल्यू रखेंगे तो OP की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी 7 और यही हमारा आंसर है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यह मीनार है ऐसा पाद बिंदु रहेगा बी, इससे 25 मीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी हो गई 25 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यह बन गया यहाँ पर 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ए बी जो मीनार है इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। यहाँ हम लिख देंगे ए बी एक मीनार है, मीनार के आधार से भूमि तल पर 25 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है और ए सी बी बराबर 60 डिग्री है। ए बी हमको ज्ञात करना है और बी सी बराबर 25 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम टेन 60 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको ए बी ज्ञात करना है और बी सी हमको दिया गया है। तो लंब और आधार के लिए हम टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो टेन 60 इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री। लंब ए बी हमें ज्ञात करना है और आधार हमको दिया है 25, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो हमें ए बी इक्वल मिल जाएगा 25 रूट थ्री। यही हमारा आंसर है। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 25 रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा में आपसे पूछा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मीटर ऊंचा भवन है बी सी और इस पर एक संचार मीनार लगी है सी डी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बिंदु ए है, इससे जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री के बन रहे हैं और मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है सी डी। तो माना कि बी सी भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है एवं सी डी संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। बिंदु ए से संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी, इसमें हमको यहाँ पर लंब दिया गया है तो इससे हमको यह आधार ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। टेन 45 हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है बी सी, आधार है ए बी, तो बी सी की वैल्यू हमने 20 रख दी, ए बी की जगह ए बी लिखा है और टेन 45 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल हमको यहाँ पर 20 मीटर मिल गया। इसके बाद अब हम ए बी डी लेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें लंब हो जाएगा पूरा बी डी और आधार रहेगा ए बी। और कोण यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 डिग्री है, तो टेन 60 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं बी डी इक्वल क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। बी डी बी सी और सी डी से मिलकर बना है और बी सी की वैल्यू हमको पता है 20, तो बी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस सी डी। तो बी डी की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया है 20 प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है 20, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सी डी इक्वल 20 रूट थ्री माइनस 20। 20 आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको रूट थ्री माइनस 1 और यही हमारा आंसर है। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20 ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस 1 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जाँच कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल होगा माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, एक द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है कि यह जो समीकरण आपको दिया गया है यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो प्लस का 2x हमको मिलेगा। इसके बाद हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस 6 यहाँ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2x यहाँ पर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर देखेंगे, एक ही है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे और एक्स वाले देखेंगे तो माइनस 2x यहाँ पर है, माइनस 2x यहाँ पर है, दोनों मिलके माइनस 4x हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस 6 यहाँ पर बचेगा। तो आप जानते हैं कि यह जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ है यह जो द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मानक, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एक से हैं, ए की जगह यहाँ पर 1 है, बी की जगह माइनस 4 है और सी की जगह 6 है। इसलिए हम कहेंगे कि जो समीकरण हमें दिया गया है वह एक द्विघात समीकरण है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है 6 में इंटू करेंगे माइनस 2 का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 12। तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है जिनका इंटू करो तो माइनस 12 आए, लेकिन इसके साथ में आपको देखना है कि उन दोनों वैल्यू को आप प्लस या माइनस करो तो आपको जो एक्स का गुणांक है माइनस 1 वह आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है प्लस 3 और माइनस 4। प्लस 3 और माइनस 4 का इंटू करोगे तो माइनस 12 आता है और 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 1 आता है। तो माइनस एक्स की जगह हम लिख देंगे प्लस 3x माइनस 4x। यहाँ पर आप इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3x, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1। इन दोनों से आप कॉमन निकालेंगे माइनस 2, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1।
इसके बाद 2x + 1 2x + 1 है, तो इसको हम कॉमन फिर से निकाल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा -2। अब दो नंबर का इनटू यदि 0 है तो या तो यह नंबर 0 होगा या फिर यह नंबर 0 होगा, तो 3x - 2 = 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा x = 2/3, और 2x + 1 = 0 रखेंगे तो x = हमें मिलेगा -1/2, और यही हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं 2 × 2 × 2, 9 के अभाज्य गुणनखंड हमको मिले हैं यहाँ पर 3 × 3, और 25 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमको मिले हैं यहाँ पर 5 × 5। इसके बाद सबसे पहले आपको HCF निकालना है, तो HCF में हम देखते हैं कि तीनों जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं इनमें कॉमन क्या है, तो तीनों में कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इनका HCF होगा यहाँ पर 1। यदि कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो HCF हम वहाँ पर 1 लिख देते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, LCM के लिए हम जितने भी नंबर दिए गए हैं सबकी मैक्सिमम पावर देखेंगे, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ दोनों में 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद 3 की पावर देखेंगे, 3 की पावर 2 है, और किसी भी नंबर में 3 नहीं है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। 5 की पावर देखेंगे तो 5 की पावर यहाँ पर 2 है, बाकी किसी नंबर में नहीं है 5, तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1800, यही हमारा आंसर है। HCF हो जाएगा हमारा 1 और LCM हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आप किसी नंबर को अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे तो उसका उल्टा मान के चलें आप सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो 7√5 इक्वल हम लिख सकते हैं a/b, और a/b हम इस प्रकार के नंबर लेंगे यहाँ पर कि यह सह अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी, और b≠0 यहाँ पर होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। इसके बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो √5 है इसको यहीं रखेंगे, और जो इसके इनटू में 7 है यह नीचे चला जाएगा b के साथ, तो √5 इक्वल मिलेगा हमें a/7b। अब यहाँ पर a/b यदि परिमेय संख्या है तो a/7b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, और यदि a/7b परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यदि यह परिमेय संख्या है तो यह इक्वल है √5 के, तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, तो जो हमारी कल्पना है वह यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई है कि जो 7√5 है उसको जो हम परिमेय संख्या लेके चले थे वह हमारी कल्पना जो थी वह गलत है, इसलिए हम लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है, 7√5 एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही होगी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको यह टेबल दी गई है और आपको माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पग विचलन विधि का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये दोनों कॉलम आपको दिए गए हैं, वर्ग अंतराल आपका 50 है, यह कैसे निकलता है, यह आप जो इसकी अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, 150 से 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे xi क्या होगा, यहाँ पर दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 125। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो आपको 175, और ये पूरा कॉलम आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, di इक्वल होगा xi - 225। 225 यहाँ पर कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य में क्या करेंगे, इनमें से आपको कोई एक वैल्यू लेना रहती है उसको आप ये हर एक नंबर में से माइनस करते जाएंगे, तो यहाँ पर हम 225 को लेंगे यहाँ पर, तो 125 से 225 माइनस किया तो माइनस का 100, 175 से आप 225 को माइनस करेंगे तो माइनस का 50, इसी प्रकार से हर एक नंबर से आप 225 को माइनस करते जाएंगे तो आपको यह कॉलम यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको निकालना होता है इसमें UI के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसा नंबर देखना है जो इन सब नंबर को डिवाइड कर सके, तो आप यह नंबर कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम UI इक्वल हमने लिखा di/50, इन सभी नंबर में आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको यह कॉलम यहाँ पर मिल जाएगा। -100/50 यहाँ पर करेंगे तो -2 मिलेगा, -50/50 करेंगे तो -1, इस प्रकार से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब है fi × ui, जो fi है आपका उसमें आपको इंटू कर देना है ui का, यह आपका fi है और यह आपका ui है,
दोनों कॉलम का आप इंटू करेंगे, 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस 8, 5 इंटू माइनस 1 तो माइनस 5, इसी प्रकार से इन सभी नंबर का आप इंटू करते जाएंगे तो आपको यह कॉलम यहाँ पर मिल जाएगा। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो माइनस का 7 यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और इस कॉलम को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एफ आई का सम 25। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माध्य इक्वल होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट के बाहर एच। तो सिग्मा एफ आई क्या होता है, इन एफ आई का सम होता है, वह होता है सिग्मा एफ आई। तो यह आपको दिया है 25, एफ आई यू आई का सम आपको, यह जो एफ आई यू आई है इनका सम आपने कर दिया, वह रहेगा सिग्मा एफ आई यू आई, तो वह रहेगा माइनस 7। और ए इक्वल दिया है 225 और एच इक्वल दिया है 50। इनकी वैल्यू आप फॉर्मूले में यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिलेगा 211। तो यही हमारा आंसर है कि भोजन पर हुआ व्यय होगा 211। क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता आप देखेंगे यहाँ पर 61 है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता 61 है, जो कि वर्ग 60 से 80 के अंतर्गत आती है। इसलिए जो हमारा बहुलक वर्ग होगा वह होगा 60 से 80 तक। इसके बाद बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आप ज्ञात करेंगे, तो निम्न सीमा होगी जो छोटा वाला नंबर है 60, तो यह हो जाएगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और यह है यहाँ पर 60। इसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता आपको दी गई है 61, इसको हम F1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्ग माप क्या कहलाती है, जो आपकी उच्च सीमा है उसमें से आप निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, 80 से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, इसको हम H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा वर्ग माप है। इसके बाद बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हमारा यह है, इसके पहले वाला वर्ग यह है और इसकी जो बारंबारता है वह 52 है, यही रहेगी हमारी बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता, इसको हम F0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमको दी गई है 52। इसके बाद बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यह है, इससे बाद में आने वाला वर्ग यह है और इसकी जो बारंबारता है वह यहाँ पर 38 दी गई है, इसको हम F2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बस आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए, तो वह होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर इंटू एच। बस इन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है, इनको यहाँ पर आपको रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर जाएगा 65.625, और यही हमारा आंसर है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल होगा 65.625 घंटे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और उसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यह एक बेलन दिख रहा है और दोनों तरफ ये दो अर्धगोले हैं, अर्धगोले का व्यास 5 mm है और ये जो लंबाई दी गई है यह 14 mm है। तो सबसे पहले बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, तो व्यास यदि 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 की आधी हो जाएगी, तो 5/2 बराबर 2.5 mm बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं बेलन यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरी लंबाई यदि 14 है तो यहाँ पर पूरी लंबाई में से हम इतनी लंबाई को यहाँ से अलग कर देंगे तो वो होगी हमारी बेलन की लंबाई। तो इतनी लंबाई कितनी होगी, तो यह होगी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या है 2.5, तो 2.5 यहाँ पर और 2.5 यहाँ पर, 2.5 प्लस 2.5 इसको हम माइनस कर देंगे पूरी लंबाई में से, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल जाएगी। तो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल 9 mm हमारे बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी। इसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या होगी 5/2 इक्वल 2.5, ये जो दो अर्धगोले आपको दिए गए हैं इन्हीं की त्रिज्या यहाँ पर बताई गई है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यह कितना होगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 × अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आपको बेलनाकार भाग दिख रहा है इसका आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद ये जो दो अर्धगोले आपको दिए गए हैं इनका भी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और दो अर्धगोले हैं इसलिए यहाँ पर आप 2 का गुणा कर देंगे। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr2। यहाँ पर बस आपको R और H की वैल्यू रख देना है, यहाँ पर भी आप R की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70π।
और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यह वैल्यू यहाँ पर रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 220 mm square। और यही आपका आंसर है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर होगा 220 mm square। क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में आपसे पूछा गया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 cm × 10 cm × 3.5 cm हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया गया है, यह आप देख रहे हैं घनाभ के आकार की एक लकड़ी है और इसमें आप देखेंगे तो शंक्वाकार ये गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर हम अपना जो कलम है उसको यहाँ पर इस प्रकार से रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है और ये जो गड्ढे दिए गए हैं इनकी त्रिज्या 0.5 cm है। ये जो आप चार गड्ढे यहाँ पर देख रहे हैं तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है। तो आपको क्या निकालना है, इस पूरे लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो गड्ढे की गहराई है h बराबर 1.5 cm, गड्ढे की त्रिज्या है r बराबर 0.5 cm, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 × गड्ढे का आयतन। घनाभ मतलब जो आपकी पूरी लकड़ी आपको दी गई है उसका आयतन, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो वहाँ पर गड्ढे में जो लकड़ी यूज की गई थी वो वहाँ से निकल चुकी है तो उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो इसलिए घनाभ के आयतन में हम माइनस करेंगे 4 × गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और गड्ढे का आयतन मतलब क्या होगा, गड्ढा आपका शंक्वाकार है तो शंक्वाकार शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा 1/3 × πr² यहाँ पर आपको l, b, h और r सबकी वैल्यू दी गई है। आपको बस वह वैल्यू यहाँ पर रख देना है और सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 523.53। यही आपका आंसर है, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर 523.53 cm। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।